राधे श्याम स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन एनसीईआरटी से, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। बेबी 1 मंथ से 9 मंथ तक जब माँ के गर्भ में रहता है, मदर के वॉर्म में रहता है, उस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फेटस। बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने, यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बच्चे का डिलीवरी होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फेटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये जो प्रोसेस है इसी को पार्चुरेशन बोल रहे हैं। चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोल रहे हैं। द सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फेटस। सबसे पहले सिग्नल किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? बच्चे के द्वारा। जो बेबी डेवलप्ड बेबी है, डेवलप्ड जो फेटस है, उसी के द्वारा पहला सिग्नल भेजा जाता है। एंड द प्लेजेंटा विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसके बाद जो प्लेजेंटा है वो थोड़ा सा माइल्ड यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, जिससे फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, जो सिग्नल है वो मिलता है। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ये क्या करता है? जब भी प्लेजेंटा से थोड़ा बहुत ऑक्सीटोसिन निकलता और ये ट्रिगर करता है कहाँ पे? मैटरनिटी पिट्यूटरी में, माँ का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऑक्सीटोसिन निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है? जो मदर का जो यूटरस है उसको कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है डिलीवरी के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता है जब 9 मंथ का फेटस हो जाएगा तो यूट्रस बहुत ही एक्सपेंड हो जाता है, इसीलिए जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी पार्चुरेशन होगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसके बाद फिर से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का निकलना और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना ये चलता ही रहता है, सेक्रेशन कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनल। इसके बाद फाइनली जो बच्चा है वो एक्सपल्सन हो जाता है, बच्चे का डिलीवरी हो जाता है किसके थ्रू? बर्थ कैनल के थ्रू। पार्चुरेशन सून आफ्टर द इन्फेंट इन डिलीवरी द प्लेजेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस। पहले बेबी का डिलीवरी हो जाता है, जो फेटस है वो निकल जाता है, उसके बाद जो प्लेजेंटा है वो भी, उसको भी निकाल दिया जाता है, वो भी निकल जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पार्चुरेशन का और ये इस तरह के वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लैक्टेशन पढ़ाऊंगी। थैंक यू।